140 करोड़ देशवासियों को अच्छा हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं। ठीक है कि आप ठीक है 22 जनवरी को क्या बोला तूने 22 जनवरी को 22 जनवरी को बावीस जनवरी को शाबाश। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, हर किसी को अयोध्या आने का आमंत्रण देना शुरू कर दिए हैं। जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते हैं वह 22 जनवरी को अपने घरों में दीपक जलाकर दीपावली की तरह ही त्यौहार मनाने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी की जनता को स्पीच दे रहे थे और वो 22 को 22 पढ़ जाते हैं। विकास अग्रवाल नाम के यूजर ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इनको गिनती आती है क्या, 22 तो सुना था, ये 22 क्या होता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात में मराठी में 22 को 22 ही पढ़ा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के वायरल हो रहे इस वीडियो को कुछ लोग सही बोल रहे हैं और कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो को साझा करते हुए तेजी सिंह नाम के यूजर ने कहा कि कोविड में थाली बजाओ टार्च जलाओ, अब ये नया दिए हैं जलाओ। एक यूजर ने कहा कि सही बोल रहे हैं। दूसरे यूजर लिखते हैं कि और 22 जनवरी को मणिपुर में क्या होना चाहिए। विजय नाम के यूजर ने लिखा कि भाई साहब वैसे तो मैं मोदी जी का आलोचक हूं, पर मराठी में 22 को 22 ही बोलते हैं और शायद गुजराती में भी 22 ही बोलते हैं। महेंद्र जी लिखते हैं कि एक तो 40 करोड़ जनता जबरदस्ती दिवाली मनाए अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इस देश में हमारे पंत प्रधान को यह बात पता होनी चाहिए। सामान्य नागरिक इस पर लिखता है कि गुजराती में मराठी में 22 को 22 ही बोलते हैं। डॉक्टर एनजे नाम के यूजर लिखते हैं कि लगता है मोदी जी गिनती कुछ अलग करते हैं, भारत देश की जनता 140 करोड़ बोलते हैं जबकि 25 करोड़ तो मुस्लिम है, 4-5 करोड़ क्रिश्चियन होंगे, फिर 140 करोड़ कैसे राम जी का ध्यान करेंगे दिवाली करेंगे। संजीव नाम के यूजर ने कहा कि 3 का पहाड़ा सुनकर देख लो, इससे कोई बीजेपी पार्टी ने खूब नमूना चुना है कदम कदम पर इज्जत का फालूदा बनवाने के लिए। दूसरे यूजर ने लिखा कि दीपावली का पर्व अब क्या 22 जनवरी को मनाया जाएगा, उल्टी गंगा नहीं बहेगी मोदी जी। फिलहाल दोस्तों वायरल हो रहा है इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट करें और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।